देखिए, हमारी सावी रिक्शा चलाती है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर एक और रिक्शा वाला आ गया है। जी हाँ, और जो टक्कर दे रहा है सावी को, टक्कर इन द सेंस कि भैया इनका स्टाइल जो है वो बड़ा ही अनूठा है। आई एम श्योर आपने आज से पहले सूट वूट पहनकर रिक्शा चलाने वाला नहीं देखा होगा। शायद ही कभी किसी को सूट बूट में रिक्शा चलाते हुए देखा होगा, लेकिन टीवी सीरियल में ये होना कोई नई बात नहीं है। आज नित्यम अपना काम छोड़ के बन गए हैं सूट बूट वाले रिक्शा चालक, और उनकी यात्री कोई और नहीं सावी है, जो यूं तो शो में एक प्रोफेशनल रिक्शा चालक है, लेकिन आज सावी ने ले ली है बैक सीट और वो इस सवारी को एंजॉय कर रही है। लोग आम कपड़ों में या वर्दी में रिक्शा चलाते हैं, मैं सूट बूट टाई पहन के एकदम रिक्शा चलाता हूँ, तो ये भी एक फन है अपने आप में। पर ये जो आप सब देख रहे हो वो सावी का बस एक सपना है, क्योंकि सावी को हो गया है नित्यम से प्यार और उसे हर दूसरे इंसान में नित्यम ही नजर आ रहा है। कभी उसे ये खिलौने बेचने वाले में नित्यम दिखता, तो कभी ये सड़क पर खेलते किसी अनजान लड़के में। हर जगह अब नित्यम दिखाई देने लगे हैं, रिक्शा ड्राइवर हो या आइसक्रीम वाला हो या पानी पूरी वाला हो, हर जगह नित्यम दालमिया दिखाई दे रहे हैं, तो सावी को प्यार हो गया है। सावी भरे बाजार में अपनी सपनों की दुनिया में झूम रही है, उसे यकीन है कि नित्यम उसे घर लेके जाने जरूर आएगा। नित्यम को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। ये सवारी को मैं कहाँ लेके जाऊँ? दालमिया हाउस, घर वापसी, क्योंकि मैं घर छोड़ के निकल गई थी ना, फिर से मैं घर छोड़ के निकल गई थी दूसरी तीसरी बार। कुछ आता जाता है नहीं, बस ये घर छोड़ के निकल जाती है। नित्यम कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से कोई चीज चाहो तो वो जरूर पूरी होती है, और हमें यकीन है कि जब आप सावी से असल में मिलके माफी मांगोगे और उनकी छत्री प्रसाद यानी कि सावी के पापा ने दी हुई रिक्शा उसे लौटा दोगे तो वो जरूर आपको माफ कर देगी। मैं नाराज इसीलिए हुई क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, और सिर्फ जल्दबाजी में जो गलत फैसले ले लिए जाते हैं उसी का एक नतीजा ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे सवाल किए ही नहीं, और जल्दबाजी में उनको गुस्सा आया, उन्होंने छत्री प्रसाद बिकवा दिया एकदम। दिन रात मेहनत करके इनका छत्री प्रसाद वापस बना के अब मैं उसे चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पता नहीं चालू होगा या नहीं होगा, वो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। तो अब ये मेरे एफर्ट्स डालने के बाद इनको खुशी हो गई है और ये वापस आ रही है, और इनको किसी ने बताया कि शायद इनको प्यार हो गया है। और अभी तो सावी को आपसे प्यार भी हो गया है, तो आपके लिए ये काम थोड़ा आसान भी हो गया है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।